कहाँ जा रहे हो गोविंद? जा रहा था मगर झूमते हुए बादल देख के तुम्हारी याद आ गई। बड़े याद करने वाले, दिन भर पनगट पर तुम्हारी राह देखते देखते आंखें थक गई। गौरी तुम ये समझती हो मैं जानबूझकर नहीं आया? मैं तो ये समझती हूँ तुम झूठे हो झूठे। बापू ने शहर भेज दिया था, मैं क्या करूँ? मुझे भी माँ ने बुलाया है। पर मैं गया थोड़ी हूँ। हम तो जाएंगे, दिन भर घर का काम काज करेंगे, शाम को माँ से कहानियाँ सुनेंगे और रात को सो जाएंगे। हम भी सो जाएंगे और कल सुबह हम बहुत देर से उठेंगे और हम दोपहर तक सोएंगे। जो ना सोए उसे हमारी कसम। सुना? सुन लिया। माँ क्या है? माँ अगर आज गोविंद मुझे बुलाने आए तो कह देना गौरी को घर में 6-7 दिन के लिए बहुत काम है, जाओ। लड़ाई हो गई है? हाँ, गोविंद से लड़ना ही अच्छा है। क्यों? वो बनिया हम राजपूत। पहले भी तो वो बनिया था और हम राजपूत थे। पहले की बात और थी, अब क्या हो गया? अब तुम जवान हो गई हो। गोविंद भी तो जवान हो गया है, मूछें भी फूट आई हैं उसकी। तभी तो मैं कहती हूँ कि ज्यादा मेल जोल अच्छा नहीं है उससे। क्यों? दुनिया की जुबान लंबी है, बात का बतंगड़ बन जाता है बेटा। अभी अभी लच्छू की माँ कह रही थी भला जवान लड़कियाँ जवान लड़कों से क्यों खेले। अच्छा, मैं गोविंद से कह दूंगी लच्छू की माँ के साथ जाकर खेला कर। सर पे चढ़ा रखा है तूने छोकरी को। यही एक निशानी है मरने वाले, थोड़े ही दिनों में ये भी आंखों से उजल हो जाएगी। कहाँ भेजा है गोविंद को? शहर। चला गया? सुबह ही सुबह निकल गया था। इधर आओ। क्या है? है क्या? इधर चलो। वो कौन खड़ा है? मैं कहती हूँ वो कौन खड़ा है? तबीयत तो ठीक है इसकी? तबीयत को क्या हुआ है? तुम्हारे लाड़ प्यार ने सत्यानाश कर दिया छोकरे का। सुन गोविंद की माँ, मर्दों को गुस्सा न दिलाओ, अगर ताव में आ गया तो सर तोड़ डालूंगा छोकरे का। सुन गोविंद के बाप, मुझे गौरी गोविंद का मिलन पसंद नहीं। बचपने की बात और थी, आज दुनिया बदनामी देती है। मतलब क्या है तेरा? मना कर दो इसे। प्यार से या गुस्से से? आज तक प्यार किया है, अब आंखें दिखाना भी सीखो। तू परे हट जा। क्या? इधर आ कुत्ते के बच्चे। कहाँ भेजा था तुझे? बोल, कहाँ भेजा था तुझे? शहर। गया क्यों नहीं? बादल आ गए थे। बादल क्या कहते थे तुझे? मैंने कहा बरखा होगी, मैं और गौरी झूला झूलेंगे। शाबाश बेटा, आ मैं तुझे गले से लगा लूं। मेरा लाल कभी झूठ नहीं बोलता। ये आंखें दिखा रहे हो इसे? गोविंद की माँ, मैं आज तुझे बधाई देता हूँ कि तूने गोविंद के रूप में राजा हरिश्चंद्र को जन्म दिया है। ले मेरे बच्चे मिठाई खाना। समझा लिया बेटे को?
अरे तुम माँ है या कौन? माँ हूँ तभी तो बेटे को निखट्टू बनते देख नहीं सकती। आप बराबर का हो गया है, दुकान पर बैठा है कभी? याद रखो गोविंद के बाप, जब पानी सर से गुजर जाएगा। फिर मुझे गुस्सा दिला रही है। तुम्हारा तो खून ही ठंडा है। अगर मेरा खून ठंडा है तो सारे गांव में दूसरा गर्म खून वाला नहीं मिलेगा। अब न रोकियो मुझे, कह दिया है तुझे। गोविंद, तू वो कलंक है जिसे मैं हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। तू मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरे जिस्म का वो फोड़ा है जो दिन दिन गलता जा रहा है। इससे पहले कि तू मेरे तमाम जिस्म को गला दे, मैं तुझे काट कर फेंक दूंगा। क्या किया है मैंने? और क्या करेगा तू? माँ बाप का मुंह काला करके रख लिया है तूने। वो हमारी बिरादरी की है जिसके साथ तू आठों पहर घुमा करता है। आज से कभी मैंने सुना कि तू गौरी के संग खेल रहा है तो तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी। तुम चुप रहोगी? मैं क्यों चुप रहूं? गांव भर की बातें मैं सुनती हूँ। ले तुम तो कसूर तुम्हारा है। 25 वर्ष शादी को हुए और एक छोकरा पैदा करके दिया है तूने। आज का कोई भाई और होता जो तेरी तबीयत पर गया है वो मेरी तबीयत पर जाता, सारे खानदान की इज्जत बढ़ाता। घर संभालो अपना, मैं चली अपने भैया के। गोविंद की माँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। तो मैं भी चला गंगा जी। बेटा गोविंद, जब गंगा जी के पंडे मेरी लाश गांव पहुंचाए तो रोना मत। तिजोरी में जो कुछ है सब तुम्हारे लिए है। खूब धूमधाम से शादी करना, लेकिन शादी के बाद अपनी विधवा माँ को भूल न जाना। तुम्हारे बाप का मुझसे बड़ा प्यार था। गंगा जाए तुम्हारे दुश्मन जो हमें देख न सकते हो, और घर छोड़ के जाए वो औरत जो पिया के मन न भाए। तू तो मेरी छोटी सी दुनिया है। जा मिश्री घोल के पी ले, होश सूख रहे हैं तेरे। गौरी, गौरी, रा 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 हो। गौरी, तुम्हें कौन बुला रहा है जी? मैं तो अपनी गाय को बुला रही हूँ जो रस्सी तोड़कर भाग गई है। रा 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 हो। गौरी, सात सात 14 26 8 28 एक रुपया 12 आने और 10 रुपए पिछले 11 रुपए 12 आने 20 चक्कर काटे कौड़ी वसूल न हुई। आज से खाता बंद। बाबा, मैंने आपको बहुत सताया है बाबा, अब मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। जीते रहो मेरे लाल। गोविंद की माँ, ओ गोविंद की माँ। आई जी। मैं गाड़ी जोत रहा हूँ, शहर से जो सौदा लाना हो कागज पर लिख दीजिए। क्या कहते हो मुझसे? एक बार आंख दिखाई है, बिल्कुल सीधा हो गया है छोकरा। और एक तू है कि रोज चोटी पकड़ कर खिलाते रहो
तो जाके भेजा ठिकाने रहता, वरना बात बात पर काटने दौड़ती। मैं तो पाठ करते करते आई हूँ, मुझसे माथा न लगाओ इस वक्त। ए पाठ करने वाली, तेरी पुस्तकों में ये नहीं लिखा कि पाठ करने से खत्म का पेट भरना ज्यादा जरूरी है? सुबह से खाली पेट हिसाब किताब कर रहा हूँ, अरे दो पराठे ही बना दे। रा 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 हो। कहाँ जा रहे हो? शहर। सौदा लाने? छोटे से गांव में कहाँ तक धंधा हो सकता है। बाबा ने कहा गोविंद तुम शहर में दूसरी दुकान खोलो। बड़ी खुशी की बात है, ना तुम यहाँ होगे ना हमें मार डांटेगी। क्या कहती है माँ? ठीक तो कहती है माँ, बचपने की बात और थी, अब मेरा तुम्हारा क्या मेल। जहाँ जन्म लिया खेले बड़े हुए, उस गांव को एकाएक छोड़ते हुए दिल नहीं भराएगा? दिल ना भराएगा, मैं तुम्हारी जगह होती मुझे शौक होता शहर जाएंगे तमाशे देखेंगे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएंगे। यहाँ रेवड़ियों के सिवाय तुम्हारे बाबा ने रखा ही क्या है मट्टी। पानी लो। Thank you.
छुपा के रखे थे हमसे, बड़े से आने हो ना? ख्याल नहीं रहा। चलो माफ कर दिया, पर देखियो की लगावट अच्छी नहीं। दोपहर हो गई। जी तुम जाओ, मुझे 7 मील का फासला तय करना है। इतना खाकर अब हमसे नहीं चला जाता, तुम छोड़ा। बदनामी नहीं होगी तुम्हारी? बदनामी को देखूं या आराम को? चलो गाड़ी घुमाओ। हाँ, 2-4 दिन तो जरूर याद आओगे। फिर की राम जाने, हम तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलते। लो जाओ। रात को मिलोगे ना? मैं तो शहर में हूँगा। मेरी कसम ना मिलो तो। वापिस आ गया? बाबा गाड़ी जोत रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई। वो काली बिल्ली है ना? और मक्खन धोबी वाली? हाँ हाँ। बड़ी मनहूस है तंबक। मैं आगे चला, बिल्ली पीछे पीछे। मैं गांव से बाहर निकला, बिल्ली फिर सामने। हत्तरी की। मैंने कहा भली मानस, परदेश जा रहा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, माँ बाप का टल जा। मगर वो कहाँ टलने वाली थी बाबा। बिल्ली ने ये नहीं कहा? फिर कब मिलेगी तुझसे? पगली कहीं की। अरे बिल्ली भी कहीं बोलती है, लो और सुनो। वो बोलने वाली बिल्ली है, मैं सब समझती हूँ, तुम बुद्धू हो। खबरदार जो मुझे बुद्धू बुद्धू कहा तो। मैं फिर कहती हूँ तुम बुद्धू हो, लड़का तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है। मैं सर तोड़ डालूंगा तेरा। घर संभालो अपना, मैं चली अपने भैया के यहाँ। गोविंद की माँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। तो मैं भी चला गंगा जी। बेटा गोविंद, जब गंगा जी के पंडे मेरी लाश गांव पहुंचाए तो तुम रोना मत, तिजोरी में जो कुछ है सब। राज भोगेगी गौरी, सच कहती है। करता क्या है लड़का? एक रसाले का मालिक है। कौन सी चौनी में? और वो रसाला नहीं, अपना रसाला निकालता है अखबार। 1200-1400 रुपए महीने की आमदनी है, उम्र भी कोई बड़ी नहीं, बहुत से बहुत 40। और फिर हमारी तरह कंगले थो रही हैं वो। दौलतमंद साठा भी पाठा कहलाता है। बाल बच्चे हैं? एक लड़की है 10 महीने की। बाह, दिल डरता है लच्छू की माँ। दुनिया ये कहेगी पैसा देखा और कुछ नहीं देखा। मेरी सगी फूफी का लड़का है, न मुझे वो पराया है न तुम। लच्छू की कसम खा के कहती हूँ, ऐसा रिश्ता फिर हाथ नहीं आएगा। तुम जानो, गौरी जैसी मेरी बच्ची वैसे ही तुम्हारी। तेरा भला हो। कालमा बादल आया,
किसी से कभी मीठे बोल बोलना बोल बोलना रह रह के तेरी याद आया के जिया जाया रह रह के तेरी याद आया के जिया जाया परदेसी कलमा बादल आया परदेसी कलमा बादल आया बिजली मुस्कात है मुस्कात है ऐसे में रूठ रूठ जाना बुरी बात है इसलिए मैं जिया तलमलाया कि जिया जाया इसलिए मैं जिया तलमलाया कि जिया जाया परदेसी कलमा बादल आया गौरी गोविंद परदेसी कब से हो गए हम तुम्हारे लिए आंखों के सामने देश आंख की ओट परदेश बड़ा छोटा दिल है तुम्हारा छोटा दिल कहो या ये कहो अब तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता मेरा क्या इलाज है इस बात का मेरे दिल की धड़कन सुनकर फौरन चले आया करो तुम मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है अपने दिल पर हाथ रख कर देख लिया करो ना तुमने भी कभी अपने दिल पे हाथ रख के देखा है हाँ तुम्हें कभी खबर नहीं हुई हम रात रात भर जागते हैं तुम्हारे लिए बेवकूफ कहीं का सच मान रहा है मेरी बातों को बचपना खत्म हुआ गोविंद अब हम तुम दोनों बड़े हो गए हैं घरानों की पत और लोगलाज का भी तो ख्याल करना चाहिए गौरी अकेले में मैंने जब भी तुम्हारा ख्याल किया है दिल ने हमेशा यही कहा है ये बात निभने वाली नहीं दिल कितना समझदार है तुम्हारा और तुम कितने बेवकूफ मैं भी समझ जाऊंगा एक दिन जल्दी समझ जाओ तो अच्छा है वरना बड़ी तकलीफ होगी आम खाओगे नहीं ना खाओ माँ ने दो आम दिए थे मैं खाने लगी दिल ने कहा गौरी अकेली खाएगी फिर मोहब्बत जताने लगी इसमें मोहब्बत की क्या बात है मैं तो इसलिए लाई थी कि तुम्हारा बाप इतना कंजूस मखीचूस है कि आम तो कभी घर में लाता ही नहीं देखो बौरी मेरे मुंह पे मेरे बाप को बुरा मत कहना मुंह मोड़ लो ना हम तो कंजूस को कंजूस जरूर कहेंगे अजी ठहरो भी एक बात तो सुनते जाओ क्या है अगर मैं लोकलाज की परवाह ना करूं तुम मेरी परवाह करोगे गौरी मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरी समझ में कुछ नहीं आता जल्दी की कोई बात नहीं जरा सोच समझ लो कल सुबह पनघट पर जवाब दे देना आह बड़ा मीठा आम है मेरी कसम खा के देखो शहर में कोई एडिटर साहब है अरे बेचारा गोविंद और बेचारी गौरी कहाँ जा रहे हो गोविंद भैया ऐसे ही घूम रहा था लड़कियाँ बेजबान होती है भैया बेचारी गौरी का क्या दोष है इसमें किसमें क्या हुआ क्या हुआ गौरी
गौरी गौरी गणेशो गणेशो मेरा एक काम करोगे क्या ये गौरी को दे दो अच्छा गौरी ये गोविंद ने दिया है जब तुम ही चले परदेश लगा कर ठेस ओ प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा जब तुम ही चले परदेश लगा कर ठेस ओ प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा जब तुम ही चले परदेश लगा कर ठेस ओ प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा जब बादल घिर घिर आएंगे बीते दिन याद दिलाएंगे जब बादल घिर घिर आएंगे बीते दिन याद दिलाएंगे फिर तुम ही कहो कित जाए नसीबो मारा दुनिया में कौन हमारा फिर तुम ही कहो कित जाए नसीबो मारा दुनिया में कौन हमारा जब तुम ही चले परदेश लगा कर देश तो प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा आँखों
से पानी बहता है, दिल रो रो कर ये कहता है, आंखों से पानी बहता है, दिल रो रो कर ये कहता है, जब तुमने साजन हमसे किया किनारा, दुनिया में कौन हमारा, जब तुमने साजन हमसे किया किनारा, दुनिया में कौन हमारा। जब तुम ही चले परदेश लगा कर ठेस, तो प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा। जब तुम ही चले परदेश लगा कर ठेस, तो प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा। ये तुम्हारे ननंद है मंजू, कॉलेज में पढ़ती है, बड़ी शरीर है। और ये तुम्हारी जेठानी, इस घर की रानी, बड़ी कंजूस है। भैया, मंजू, भाभी देखी? देखी। कैसी है? ठीक है। क्या मतलब? आंख में फोला, मुंह पर चचक के दाग, बाकी सब ठीक। भाभी दुर्गा आए भैया। ये तुम्हारी बिटिया है भैया, बिहा के लाए हैं, बिटिया हम दे रहे हैं, कहो थैंक यू। मैं पांव पड़ा था आपके कि दूसरी शादी कर दो, जी नहीं लगता मेरा। क्या मतलब? मतलब ये कि बहू की बजाय कार्टून क्यों उठा लाए हो घर में? आंख में फोला, मुंह पे चेचक के दाग। किसकी आंख में फोला, किसके मुंह पे चेचक के दाग? ये जो जबरदस्ती का ढोल तुमने बांध दिया मेरे गले में, लड़का नहीं कोई, खानदान आगे कैसे चलेगा? बहुरानी की बाबत कह रहे हो? जी, आपकी देवरानी की बाबत कह रहा हूँ। अरे वो तो चौदवी का चांद है, रात को जिस कमरे में बैठ जाएगी बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंजू कुछ कहती है, तुम कुछ कहती हो? लो अपनी आंख से देख लो बहुरानी को। क्यों हुआ कलेजा ठंडा? हो गया, आप जाइए। मंजू ने मजाक उड़ाया है, मेरा क्या कसूर है इसमें? आपने मजाक उड़ाया है मेरा, 7 मील का फासला था, वहां तक जाते पांव में छाले ना पड़ जाते आपके। हाँ? पसंद नहीं आई बहू? उसे बहू कहते मुझे शर्म आती है। ऐब क्या है उसमें? उसमें ऐब यही है कि वो एक विधवा की बेटी है, दुनिया में उसका कोई हमदर्द न था, वरना आपकी ऊंची दीवार देखकर वो लोग कभी टक्कर न मारते। जाने क्या कह रहे हो तुम? सूरत देखी है उसकी? सुबह की आंख खोलती हुई कल से भी ज्यादा सुंदर है। जब वो मेरी सूरत देखेगी तो छुई मुई के पत्ते की तरह कुमला जाएगी, सारे अरमान दम घुटकर मर जाएंगे उसके। क्यों? क्यों? और 5 बरस में इधर दांत झड़ने शुरू हो जाएंगे, उधर जवानी फूटेगी उसकी। क्या ये जुल्म नहीं है? लड़कियां बेजबान हैं, लेकिन उनकी आहें बड़ा असर रखती हैं भाभी। पति पत्नी प्रिय भाई साहब,
ये किताब मेरी राम कहानी है। मैं ये चाहती हूँ कि भारत की हर बेजुबान लड़की इस कहानी को पढ़े। कृपा करके आप अपने अखबार के जरिए मेरी कमजोर आवाज को घर घर पहुंचा दें। इसमें हजारों कन्याओं की भलाई होगी। आपकी सेवक। गंगू बहन आए हैं भैया। मैं उनकी सूरत नहीं देखना चाहता। गंगू बहन है भैया, जिसने आसमान से चौधरी का चांद तोड़ के आपको दे दिया है। उनसे कह दो कि वो यहाँ से चली जाएं। वो मुबारकबाद देने आई है और मुझे उनकी मुबारकबाद की कोई जरूरत नहीं। बाहर ले जाओ उन्हें, जाओ। मैं इस नाराजगी का सबब पूछ सकती हूँ अपने भैया से? तुम्हारे हाथ किसी बेगुनाह के खून में रंगे हुए हैं। तुम खूनी हो, धोखेबाज हो। किसको धोखा दिया है मैंने? किसका खून किया है? धोखा मुझे दिया है और खून उसका किया है जिसे मैं ब्याह कर लाया हूँ। गंगू बहन, क्या वो मेरे जोड़ की है? नींद में मुस्कुराते हुए बच्चे की तरह भोली, टहनी पर झूमते हुए फूल की तरह मस्त, गंगा की लहरों की तरह बेफिक्र, तुमने और भाभी ने मिलकर उसकी जवानी बर्बाद कर दी है। बहुत पढ़ गए हो ना, तभी इतना बहक रहे हो। तुम्हारा दर्द नहीं होता तो हमें क्या पड़ी थी बीच में आने की? भले किसी आश्रम से उठा के ले आते किसी को। झूठ क्यों बोला था तुमने? उम्र 28 बरस की है, माँ विधवा है, कोई रिश्ता नाता ढूंढने वाला नहीं था, तभी इस उम्र को पहुँच गई है। कहा नहीं था तुमने? हमने तो जो बहन का धर्म होता है पाला, कोई जाने न जाने हमारी बला से। चल रे लच्छू, आज से कसम खाई कभी इन बीच में ना आएंगे। गोविंद, ओहो, ये जवानी के जोश हुआ करते हैं बेटा। मोहब्बत अपने वक्त में सब करते हैं, जोवन सब पर आता है। मेरा भी एक वक्त था। मुझे याद है, जिधर से गुजर जाते थे औरतें बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती थी। चौधरी की लड़की रामी बड़ा प्यार करती थी मुझे, मगर तकदीर में तेरी माँ लिखी थी, शादी हो गई। मुझसे ब्याहे ना जाते तो कुंवारे ही रह जाते। मेरी तो माँ सौतेली थी, वरना कौन अपनी लड़कियों को इस तरह फेंक देते हैं? क्या मतलब है तेरा? तुम कौन होते हो रामी का नाम लेने वाले? अरे मैं तो बच्चे को समझा रहा था कि रोना किस लिए। तेरी कसम तू ही बता, मैं रोया था तुझसे शादी करके? तो अब रो लो ना, बाप बेटा गले मिल मिल के। घर संभालो अपना, मैं चली अपने भैया के। गोविंद की माँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। तो मैं भी चला गंगा जी। बेटा गोविंद, जब गंगा जी के पंडे मेरी लाश गांव पहुँचाए तो रोना मत। तिजोरी में जो कुछ है सब तुम्हारे लिए है। खूब धूमधाम से शादी करना, मगर बेटा शादी के बाद अपनी विधवा माँ को मत। साफ कह दो हमें के जाना जाना, अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। तेरी उठती जवानी पुकारे, तेरा जोबन किसी को ललकारे। तेरी उठती जवानी पुकारे, तेरा जोबन किसी को ललकारे। दिल की धक धक, दिल की धक धक ये कह रही है, चोरी चोरी बलम यहाँ आना,
धक धक ये कह रही है चोरी चोरी बलम यहाँ आना, अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। मन मन हमें न गालियां दो, नो चली मैं यहाँ से अजी हो हो। मन मन हमें न गालियां दो, लो चली मैं यहाँ से अजी हो हो। कोई कब तक कोई कब तक ऐसों के पास आए जिनके दिल में औरों का हो ठिकाना, कोई कब तक ऐसों के पास आए जिनके दिल में औरों का हो ठिकाना। अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। झूठी निलियां आंखों में छा रही है, याद पिया प्यारे की आ रही है। झूठी निलियां आंखों में छा रही है, याद पिया प्यारे की आ रही है। वो जो नस नस में वो जो नस नस में बस रहे हैं ये अदाएं उन्हें भी दिखलाना, वो जो नस नस में बस रहे हैं ये अदाएं उन्हें भी दिखलाना। अंगुड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। अंगुड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। 16 बरस की पत्नी 55 बरस के पति देव, शादी की पहली रात थी, द्वार पर किसी के पांव की आहट सुनाई दी, मैंने शर्म के मारे नीची नजर कर ली, सेज पर फूल बिछे थे, जूं जूं वो नजदीक आते गए सेज के फूल मुरझाते गए। उस वक्त मैं इस बात को न समझी, लेकिन आज इस बात का ज्ञान होता है कि बेजबान फूल एक बेजबान पर अत्याचार होते नहीं देख सकते थे, लेकिन जबान वाले रोज जुल्म होते देखते हैं और उस तक नहीं करते। हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? 12 बज गए हैं। जी। कब तक वो बेचारी जागती रहेगी? अब गुस्से को थूक दो भैया, पहली रात है, बहुत इंतजार ना दिखाओ उसे। भला हो आपका, मुझे देखते ही नींद आ जाएगी उसे। फिर वही बातें करने लगे, हाय पड़ोसी को देखो, 55 बरस की उम्र में 14 बरस की बहू ब्याह कर लाया था, 2 बरस शादी को हुए, बच्चा भी खेल रहा है गोद में। मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं भाभी, जाओ। मैं तो उस वक्त जाऊंगी जब बराबर वाले कमरे की बत्ती बुझ जाएगी। ये रखा है दूध, याद से पी लेना दोनों। बेबी को मैं ले जाती हूँ, बहू के कमरे में सो रही है। वहीं सोने दो उसे। मेरा मतलब है कि तुम आराम से सो जाओ दोनों। अच्छा अच्छा मैं जाती हूँ। बेबी तुम बैठी रहोगी सारी रात? सो जाओ, आधी रात हो चुकी है, गर्मी नहीं लगेगी इन कपड़ों में?
कोई पतली साड़ी पहन ली होती। तुम अपनी जगह शर्मा रही हो, मैं अपनी जगह शर्मा रहा हूं। गौरी, तुमने मेरे दिल में एक दर्द पैदा कर दिया है। दर्द हो रहा है? दर्द कहूं या बेकरारी, तुम इस बात को नहीं समझ सकती हो। भला मैं क्या समझूंगी, अगर ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर को बुला लीजिए। सो जाओ तुम। आपको दर्द हो रहा है, मैं कैसे सो जाऊं भला? कल बात करेंगे, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूं। बिता दिए भाभी? किसने नहीं, बड़े पतले कान हैं छोकरी के। भाभी तो एक तमाशा है इस घर में। क्या डुगडुगी बजाई थी तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रो क्यों रही थी वो? दिल भर आया, रोने लग गई। दिल क्यों भर आया? किसी की याद आ गई, दिल भर आया। सावन से बात लो, तुमसे ये जा कहो। सावन से बात लो, तुमसे ये जा कहो। तकदीर में यही था साजन मेरे, न रो सावन के बाद लो। घन घोर घटाओ, मत झूम के आओ। घन घोर घटाओ, मत झूम के आओ। यादों की सताएगी तुम झूम यहाँ न हो। सावन के बादलों कहीं
और जाके बसो कहीं और जाके। वो दिन न रहे अपने रातें न रही वो सावन के बादलों, सावन के बादलों उसे ये क्या कहो। भाई बहन का नाता खून का नाता होता है, आपस का मेल न भी हो तो भी वो एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। लेकिन पति पत्नी का नाता प्रेम का नाता है, और प्रेम वही नवाज करता है जहाँ प्रेम का स्वागत करने के लिए दोनों दिल जवान हो। आओ भाभी, जय जय, बैठो। गोविंद शहर जाएगा आज? मन की मौज है गोविंद की। गौरी की पहली दिवाली है ससुराल में, मैंने सोचा शायद सौदा पत्ता लेने गोविंद शहर जा रहा हो, 2 रुपए मैं भी दे दूं, मिठाई लेकर छोकरी को भी देता आएगा। गोविंद, गोविंद, शहर जाओगे आज? माँ ने पूजा के लिए चांदी के रुपए मंगवाए हैं, स्टेशन से ना मिले तो शहर जाना ही पड़ेगा। स्टेशन पर कहाँ मिलेगी तुझे चांदी, जा गाड़ी जोत ले, घर के लिए मिठाई भी लेते आना और इनका काम भी करते आना। गोविंद अच्छे तो हो बेटा, गौरी जिस दिन से ससुराल गई है तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी मैंने कभी। बड़ा उदास रहता है गोविंद। साथ खेले है ना? ये बात नहीं है गौरी की माँ, मोहब्बत बहुत बुरी चीज होती है दुनिया में। और चौधरी की लड़की रामी, इधर मैंने सेहरा बांधा उधर उसने रोना शुरू कर दिया, पूछो क्यों? मोहब्बत। बेचारी मुझ में अपनी दुनिया बसाए बैठी थी, पर मैं भी क्या करता, पराया बस पंछी मजबूर। अपने अच्छी सजी है सारी, बहुत अच्छी है, नहीं गौरी की माँ? Okay.
आलमवा बेवफा बेवफा। घड़ी पंडित पे आना जो ढूंढ की प्रीत जताना मुझे याद है, फिर और किसी से आंख मिलाना मुझसे आंख चुरा कर जाना मुझे याद है, झूठों से काहे बोलूं जारी जा बेवफा बेवफा, झूठों से काहे बोलूं जारी जा बेवफा बेवफा। आओ जाने वाले बाल मुआ मैं ना तेरा बालम हुआ बेवफा बेवफा। अरे तुम क्यों रोने लगे भाई? दर्द के गाने नहीं सुने जाते मुझे। पगला कहीं का, उठो खाना खाएं चलकर। कभी उठे कभी बैठे दिन कट ही जाता है। काम धंधा कुछ नहीं करते? गांव में काहे का धंधा, कोई आ गया तो हंस खेल लिए, कोई गया तो याद करते रहे उसे। सास हमारी तो बहुत याद करती होगी गौरी को। माँ है ना आखिर। हाँ हाँ, इसका दिल तो पत्थर का है शायद, जब कभी बुलावा आता है कह देती है मंजू को छोड़कर न जाऊंगी। बहुत प्यार हो गया है आपस में उन्हें। मगर गांव वालों के प्यार का जवाब भी तो प्यार ही से देना चाहिए। ये सुखी रहे, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। गौरी को तो कोई शिकायत नहीं हमसे? उसे क्या शिकायत होगी? गांव वालों को? हाँ उन्हें जरूर शिकायत है आपसे। क्या? जिस दिन से गौरी ब्याही गई है गांव से शहर का फासला 7 मील से 700 मील कर दिया है आपने। वो कैसे? इतनी दूर हो गई है गौरी गांव से कि गांव वालों की आहें भी उस तक नहीं पहुंच सकती। अब तो उसकी माँ ने कहा था। अब जरूर भेजूंगा उसे गांव, माँ जी से कह देना। पान खाओ खाओ। आधी रात हो गई, लड़का अभी तक नहीं आया। मिल के बिछड़ना बड़ा मुश्किल होता है गोविंद की माँ। वो ब्याही गई है, अब क्या उसके घर की दीवारों से टकरे मारेगा वो? तू नहीं समझती इन बातों को। मेरी शादी हो गई थी, रामी फिर भी मेरी गली के चक्कर काटा करती थी। पूछो क्यों? ना मैं नहीं पूछती। तो बस चुप रहो। चुप कैसे रहूं? तो बोले जाओ। मेरी कौन सुनता है इस घर में? एक ही एक छोकरा है, उसे भी खराब कर दिया है तुमने। मेरे हाथ पर तो 4 लकीरें हैं छोकरों की, और तू एक ही देकर बस हो गई। 3 जाने कहां से आएंगे? चौधरी की लड़की रामी पार्सल करके भेज देगी तुम्हें। ए पराई बहू बेटियों को खबरदार जो बदनामी दी तो। मैं ये हो गई आज इस घर में? बाप के घर राज भोगती आई, यहाँ के चक्की पीसी, बर्तन मले, लिपाइयां की, और कदर क्या हुई मेरी? ये घर संभालो अपना, मैं चली अपने भैया के। ए गोविंद की माँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैंने कहा अमावस की रात है, रास्ते में जंगल पड़ता है, जंगल में चोर लुटेरे सांप भूत चुड़ैल।
गौरी सोती क्यों नहीं? बात सुनो, मैं जाता हूं। आए क्यों थे यहां? दिल की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी, तुमने आकर भड़का दिया है उसे। सूरत देखे 6 महीने बीत गए थे। जी भर के देख लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। कौन ऐसी नई ब्याही है जो ससुराल आने के बाद मायके वापस न जाए? माँ ने कई बार बुला भेजा, मैंने यही सोचा जब तक तुम्हारी शादी न होगी मैं मायके वापस न जाऊंगी। अगर तुम्हें शादी के बाद चैन मिल गया है तो बस मैं भी शादी कर लूंगा। गौरी, मैं पराई स्त्री के दिल पर बोझ सा बन के बैठ गया हूँ, ये पाप है। मेरे लिए एक एक आंसू जो तुम्हारी आंखों से निकलता है तुम्हें धर्म से गिराता जा रहा है। तुमने गांव आने की कसम खा ली है, मैं शहर आने की कसम खाता हूँ। गौरी, मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। मिलके बिछड़ गई अखियां, मिलके बिछड़ गई अखियां, हरामा मिलके बिछड़ गई अखियां। मुश्किल से वो दिन बुलाए थे हमने, फिर आके छेड़ा पलम गए छतियाँ, थरक गए छतियाँ, हरामा मिलके बिछड़ गए अखियाँ, मिलके बिछड़ गए अखियाँ, हरामा मिलके बिछड़ गए अखियाँ। पतझड़ की रुत आई, दरख्तों ने पत्ते झाड़ दिए, न कहीं फूल न फल। ऐसा मालूम होता था जैसे कुदरत भी सोग मना रही है। फिर सावन भादों के बादल आए और मेरी तकदीर पर आंसू बहाकर चले गए। बहार के फूलों ने समाज पर हंसना शुरू किया, लेकिन समाज को शर्म न आई। सर्दी का मौसम आया, फिर से 4 बादलों ने इकट्ठे होकर घंघोर घटा की सूरत में मेरी तकदीर का नक्शा खींचा और गरज गरज कर मेरे अरमानों को सुला दिया। फिर
फिर एकाएक बिजली कौंधी। तुम्हारी है? गौरी, मुझे माफ करना, मैं बहुत मसरूफ रहा हूं इतने दिन। मैं तो आपकी दासी हूं। तू तो मेरे दिल की रानी है, मेरी दुनिया। गौरी, एक बात कहूं तुमसे? क्या? ये आंखें वो पुरबहार चश्मे हैं जिनकी गोद में एक मुद्दत से मेरे अरमान सो रहे हैं। मैं नहीं समझी। बड़ी भोली हो तुम। हाँ? मैं बेबी को सुला। मुझे दे दो बेबी को, अभी सुला देता हूँ इसे। बस 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 बस, अभी चुप हो जाएगी बेबी, तुम सो ना जाना। Oh
दी। वो देख शीशा कहता है कि बेबी क्यों रोती है। हाँ वो ये ले कंगी नहीं लेती, नहीं लेती, ले ले नहीं। अच्छा वो पानी पिएगी, पानी पिए, ये वो देख पानी आया, ये लो मम बेबी के लिए, बेबी बड़ी अच्छी है, ये लो ले लो नहीं। न जाने बेबी क्यों नहीं सोती, बेबी बेबी मैं समझ गया, जब तक मैं जागता रहा तू सोती रही, आज घनघोर घटाओं ने मस्ती ग्लोरियां देखकर मुझे सुला दिया और तू जाग उठी, तेरे रोने में कुदरत पुकार पुकार कर मुझे कह रही है गाफिल तेरे कदम डगमगा रहे हैं, संभल। मैं संभल गया बेबी, तू सो जा सो जा। कब आई हो तुम? अभी अभी गाड़ी से उतर कर आ रही हूँ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ हूँ? दिल कह रहा था मेरा, क्या कर रहे थे अकेले? मैं अकेला नहीं था। कौन था साथ में? तुम। मैं? जी मैं तुमसे अलग हो गया हूँ, मगर तुम मुझसे अलग नहीं हुई। अभी अभी हमारा तुम्हारा झगड़ा हो रहा था। किस बात पर? ये हम नहीं बताएंगे। क्यों? हम अपनी गौरी की बातें तुम्हें क्यों बताएं? तुम्हारी गौरी कौन? वो जो मोहब्बत बन के मेरे दिल में रहती है, ना उसे माँ का डर है ना बिरादरी का। जब अकेला होता हूँ तो सामने आ बैठती है। झूठे हैं सब सपने सुहाने, झूठे सब सपने सुहाने, झूठे हैं
झूठे हैं सब सपन सुहाने झूठे सब सपन सुहाने झूठे हैं मूर्ख मन सने सपन सुहाने मूर्ख मन सच जाने सपन सुहाने झूठे हैं सब सपन सुहाने झूठे सब सपन सुहाने जो जो सुख तकदीर में नहीं होते मिल जाते हैं सोते सोते जो जो सुख तकदीर में नहीं होते मिल जाते हैं सोते सोते जब जागे दिल बात बात पर ढूंढे हैं रोने के बहाने झूठे हैं जब जागे दिल बात बात पर ढूंढे हैं रोने के बहाने झूठे हैं सब सपन सुहाने झूठे सब सप सुहाने जो दिल लेकर आप चुराते हैं आप सपन में मिलने आते हैं जो दिल लेकर आप चुराते हैं आप सपन में मिलने आते हैं दिल चाहे लंबा हो सपना फिर कब मिले पिया कौन जाने झूठे हैं दिल चाहे लंबा हो सपना फिर कब मिले पिया कौन जाने झूठे हैं सब सपन सुहाने झूठे सब सपन सुहाने झूठे हैं मूर्ख मन सच जाने सपन सुहाने मूर्ख मन सच जाने सपन सुहाने झूठे हैं सब सपन सुहाने झूठे सब सपन सुहाने भाभी रो क्यों रही हो तुम मेरी कसम है ना बताओ के मंजू तू क्या गा रही थी जो जो सुख तकदीर में नहीं होते मिल जाते हैं सोते सोते फिर रोना शुरू कर दिया तुमने सपना देखा है कोई अरे सपने तो रोज आया करते हैं शादी के बाद जब वो हरिद्वार गए थे उससे 400 मील दूर और सपने में क्या कहते हैं मुझे बिल्लो मुझसे दो गज परे क्यों बैठी हो नजदीक आ जाओ दिल नहीं लगता मेरा और फिर मेरी आंख खुल गई और जो मैंने रोना शुरू किया है बिल्लो हाँ लो रुमाल चल मुई कहेगी मेरी प्यारी बहन गौरी नमस्ते जिस दिन से तुम्हारा ब्याह हुआ है गांव वालों को मन से बिसार दिया है मैंने भी तुम्हें चिट्ठी लिखने की कसम खाई थी मगर क्या करूं मुझसे गोविंद के दुख देखे नहीं जाते आज डेढ़ महीने से किसी ने उसकी सूरत तक नहीं देखी माँ ये समझ बैठी है कि उसका बेटा मर गया है दिन भर नदी नालों में उसकी लाश ढूंढती फिरती है बाप रात भर लालटेन हाथ में लिए पनघट के चक्कर काटता फिरता है किसी ने कह दिया अभी अभी जंगल में कोई दुख भरी आवाज में गा रहा था गांव वालों के बच्चे बूढ़े उधर को हो लेते हैं किसकी चिट्ठी है भाभी खैर तो है क्या लिखा है चिट्ठी में बोलती नहीं हो तुम मंजू इका कितने दुखी हो गई हो तुम क्या लिखा है माँ ने माँ की चिट्ठी नहीं मंजू तो किसकी चिट्ठी है मेरी सहेली की बड़ी प्यारी सहेली होगी कोई तभी तो उसके दुख में इतना दुख मान रही हो नहीं मंजू
ये मेरी अपनी दुख भरी कहानी है। तुम्हें क्या दुख है भाभी? मंजू, मेरा गांव जाना बड़ा जरूरी है। बात क्या है? ये फिर बताऊंगी। कोई ऐसी बात बने मैं गांव हो आऊं सिर्फ एक रात के लिए। ये कौन सी मुश्किल बात है? सिर्फ एक रात के लिए मंजू, कल सुबह मैं वापस आ जाऊंगी। अभी हाँ कह देते हैं भैया, तुम तैयार हो जाओ। किधर से आ रही थी आवाज? यही सुनी थी मैंने। सब यही कहते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं उसे। पांव की आहट सुनते ही वो चुप हो जाता है। चुप हो जाता है लेकिन खो कहां जाता है? रात को आठ आठ चक्कर चोरी छिपे मैं यहां लगाता हूं। कोई जिधर कहता है जाता हूं, इधर उधर छह छह मील तक की जमीन छान मारी है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। मां ठीक कहती है उसकी, रामू भैया गोविंद मर गया है। ये तुम्हारा वहम है, मैंने अपने कानों उसे गाते सुना है। क्या गा रहा था वो? अखियां मिलाकर चले नहीं जाना। अखियां मिला के जाने वाले तो कब से चले गए रामू भैया, याद रह गई है उसके दिल में उनकी। मेरा बस चले तो नाखूनों से कुरेट डालूं उस बेवफा की याद गोविंद के दिल से। भला ये कहां की मोहब्बत है? एक सुधबुद भुलाए बावला हुआ फिरे और दूसरे को खबर तक न हो उसकी। रोज जंगलों में भटकता फिरता हूं, कल शहर जाऊंगा गौरी के पास, झोली फैलाकर उससे कहूंगा सुहाग रानी मेरा एक लौता बच्चा मुझे दे दे। तुम घर पर देखा है, वहां ना चल दिया हो? उसकी माँ मुझे कहा करती थी गोविंद को समझाओ, गौरी के लिए पागल हो रहा है। मैं मजाक समझता था इस बात को लेकिन आज ये सोचकर सर पीट लेता हूँ रामू भैया कि वाहरी मोहब्बत एक को मजनू बना के रख दिया लेकिन दूसरी को लैला न बनाया तूने। हाल बना रखा है तुमने? क्या हाल बना रखा है? घर नहीं जाते, जंगलों में घूमते फिरते हो रात दिन। ये मेरी तकदीर। बापू हाथ में लालटेन दिए भटकते फिरते हैं तुम्हारे लिए। ये उनकी तकदीर, मेरी बदनामी नहीं इसमें। सब लोग यही कहते हैं गौरी का दीवाना है। मोहब्बत की बदनामी नहीं इसमें, सब यही कहते हैं गौरी को भूल जाओ। गौरी इसी काबिल है गोविंद कि तुम उसे भूल जाओ। मैंने तुम्हें दगा दी है, तुम्हारी मोहब्बत को झुठलाया है, तुम्हें बनाया है। मैं नहीं मानता। दिवाली की रात तुम्हारे बहते हुए आंसू मुझे ये कह रहे थे कि हम मोहब्बत के आंसू हैं। उन आंसुओं को मोहब्बत के आंसू कहकर एक ब्याहता स्त्री को बदनाम न करो गोविंद। वो मजबूरी के आंसू थे। बहुत अच्छा, ये मैंने मान लिया कि तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं। लेकिन ये मैं पूछ सकता हूँ,
के ब्याहता स्त्री इस वीराने में क्या लेने आई आधी रात को? गोविंद से ये कहने, जंगलों की खाक छानने की बजाय नगरी नगरी द्वारे द्वारे गौरी का संदेशा पहुंचाए। क्या संदेशा है गौरी का? कोई किसी से मोहब्बत न करे, हिंदुस्तान में ना कोई गोविंद बने न गौरी। मैं तुम्हारे यहाँ गया था, सौ सौ खातरें हुई थी मेरी, आज तुम मेरे यहाँ आई हो, दोनों आंखों में आंसू चमक रहे हैं, लेकिन मेरा दामन भी नहीं उड़ सकता मेहमान के आंसू पोंछने के लिए, इसलिए कि तुम पराई हो और पराई स्त्री को छूना पाप है। कितना ऊंचा प्रेम है तुम्हारा, लेकिन मैं इस प्रेम की कोई कदर ना कर सकी। थोड़े कदर की है तुमने मेरे प्रेम की, वरना कौन आता है किसी के पास इन जंगलों में। क्या सेवा कर सकता हूँ तुम्हारी? पान खाओगी? ये मेरा पान है। खास पान है कोई? हाँ, ये वो पान है जो दिवाली की रात तुम्हारे यहाँ से मिला था मुझे। खाया क्यों नहीं था? निशानी जानकर रख छोड़ा था, आज खा लेता हूँ। गौरी, वो गाना याद है तुम्हें? कौन सा? वो जो तुमने उस दिन गाया था जब मैं शहर जा रहा था रूठ कर, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। याद है? गाओ। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाओगे जाने ना दूंगी मैं, रास्ता रोक लूंगी, जाओगे जाने ना दूंगी मैं, रास्ता रोक लूंगी, सैया के पैया पर जाऊंगी रोके कहूंगी, सैया के पैया पर जाऊंगी रोके कहूंगी, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाओगे जाने ना दूंगी मैं, रास्ता रोक लूंगी, उस दिन सचमुच तुमने मेरा रास्ता रोक लिया था, आज सैया के पैया भी पड़ जाओगे तो हम रुकने वाले नहीं। गोविंद, ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं, आज कौन रुक सकता है मुझे? तुम्हारी आवाज बदल रही है, कैसे देख रहे हो? मेरा हाल सुन के तुमने एक बहाना बनाया और चली आई, कल दूसरा बहाना बनाओगी, मोहब्बत का मुंह काला हो जाएगा, ये मुझे मंजूर नहीं। पान में क्या खा लिया है तुमने? मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मैं तुम्हारे और तुम्हारे धर्म के दरमियान खड़ा हूं। जिस दिन से घर छोड़ा है उस दिन से ये पान मेरे पास था, रोज खाने का जतन करता था, लेकिन दिल कहता था कि मरने से पहले एक बार गौरी के दर्शन हो जाए, गौरी के दर्शन हो जाए। गोविंद, गोविंद, गोविंद! मेरे गोविंद ने अब हमेशा के लिए चुप साध ली है रामू भैया, मेरा दिल कह रहा है। वो कौन है? कोई औरत दिखाई देती है। हाँ।
कौन हो तुम देवी? ये कौन सो रहा है? गोविंद है रामू भैया, जानबूझकर चुप हो गया है हमें देखकर। अरे गौरी, तुम कब आई हो? बोलती नहीं। उठो बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। रामू भैया, गांव में किसी से कुछ न कहना, दोनों की बदनामी होगी। उठो बेटा। सुनता क्यों नहीं? गौरी, बेटा तुम उठा दो उसे, एक बार मेरे कलेजे से लग जाए, फिर हम चले जाएंगे। मट्टी कलेजे से लगा रहे हो भैया, गोविंद तो ठंडा हो चुका है। मर गया है गोविंद। बदनामी के डर से गौरी ने जहर खिला दिया है इसे। लोक लाज रखने के लिए डायन ने बर्बाद कर दिया है हमें। चुड़ैल, तुझे शर्म ना आई क्या? इसी दिन के लिए तूने मोहब्बत की थी मेरे बेटे से। सुनो मेरा भैया, डायन को जाने मत देना, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूं। बड़े घर की बहू, छोटे बाप के बेटे की जान लेने का तुम्हें क्या हक था? उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, उसे भी ठुकरा दिया होता। जवाब दो मेरी बात का। पुलिस आएगी, मुकदमा चलेगा, तुम्हें फांसी होगी, मगर फिर भी मेरा कलेजा ठंडा ना होगा। मैं अपना कलेजा अपने आप ठंडा करूंगा। जाए आके बताऊंगी, अब बताना क्या दुख है तुम्हें? भाभी बोलती नहीं, किसकी चिट्ठी थी, किसने गांव बुलाया था? भाभी जवाब नहीं देती मैं आज का, तुम्हें मेरी कसम है ना बोलो तो। भाभी भाभी भाभी, तुमने एक का नहीं दो का खून किया है। दो मोहब्बत के मतवाले आपस में प्रेम का झूला झूल रहे थे, तुमने खुद गर्जी का पत्थर उठाकर मारा और वो हमेशा के लिए जुदा हो गए। जाने क्या कह रहे हो तुम? शादी हुए इतना अरसा हो गया, न जाने रह रहे तो क्या होता है तुम्हें? चिट्ठी तो पढ़ो भाभी, वो लड़का जो दिवाली की मिठाई लेकर आया था, गोविंद, गांव वाले उसे देखने को तड़प रहे हैं और वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो क्या मैंने उसे छुपा लिया है? छुपा नहीं लिया, खून कर दिया है उसका। तुमने उसके सीने पर पांव रखकर सारे अरमान कुचल डाले हैं, तमाम हसरतें मिटा दी हैं उसकी। वो गौरी से प्यार करता है और तुमने गौरी को धर्म की झूठी जंजीरों में जकड़ दिया है। इधर ये मजबूर है, उधर वो मजबूर, मोहब्बत मुझे कोस रही है। मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। अब कर भी क्या सकते हो तुम? मोहब्बत की लोरियां देकर गौरी को ऐसी मीठी नींद सुला दो कि वो गोविंद को भूल जाए। ढलती जवानी उठती जवानी को क्या लोरियां देगी भाभी? मैं अब वो काम करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। समाज कुछ कहे, तुम घर छोड़कर चली जाओ, बिरादरी बिगड़ जाए, मुझे परवाह नहीं। मैंने गौरी के साथ फेरे जरूर लिए हैं, सिरा बांध कर उसे ब्याहने जरूर गया हूँ, इस ख्याल से कि वो मेरे जोड़ की होगी। लेकिन जिस वक्त तुमने आईने में मुझे उसकी सूरत दिखाई, उस दिन से आज तक मैंने जितने सांस लिए हैं गुनाह के सांस लिए हैं। वो गालक जो तुम्हारे हाथों ने मेरे मुंह पर मली है,
आज मैं उसे धो डालूंगा। वो आ गई गौरी। भैया थककर सो गई है, जाने दिल पर क्या सदमा पहुंचा है, मेरे किसी बात का जवाब नहीं देती। गौरी को जगा दो मंजू, और इसके कान में कह दो कि आज भैया तुम्हें एक बड़ा अच्छा तोहफा दे रहे हैं। भाभी भाभी, भैया तुम्हें एक बड़ा अच्छा तोहफा दे रहे हैं। भाभी जागती नहीं? अभी जाग उठेगी, देखना। गौरी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारा गोविंद दे रहा हूँ, अपने हाथ से मंडप सजाऊंगा, गौ जाकर खुद गोविंद को लाऊंगा, बाप की जगह मैं तुम्हारा कन्यादान दूंगा गौरी। है? गौरी ठंडी हो गई? गौरी तुमने मुझे इतना मौका भी न दिया कि मैं अपने मुंह से गुनाह की कालक उतार सकता। ओ हत्यारी धरा, अपने शहीद को एक नजर तो देखती जा। समाज के मुखियों, ये तुम्हारा पहला शिकार नहीं है। गोविंद, गोविंद, गोविंद।